वैसे आप लोगों को बता दें, मलाइका अरोड़ा भी काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, मलाइका अरोड़ा अक्सर सुर्खियों में बनी ही रहती हैं और आए दिन मलाइका अरोड़ा को लेकर कई सारी चर्चे जो कि बॉलीवुड के गलियारों में होते रहते हैं। वैसे आप लोगों को बता दें, अरोड़ा की अगर 2024 की अगर नेटवर्थ की बात करें तो 12 मिलियन डॉलर है। आप लोगों को बता दें, मलाइका अरोड़ा जो कि काफ़ी पैसा कमाती हैं, हालांकि वो फिल्मों में बहुत कम काम करती हैं और ज़्यादातर उनके आइटम सॉन्ग होते हैं। और इस समय बात की जाए तो मलाइका अरोड़ा जो कि कई सारे शो के जज के तौर पर वो नज़र आती हैं, जहां पर वो मोटा पैसा चार्ज करती हैं। आप लोगों को बता दें, मलाइका अरोड़ा 12 मिलियन डॉलर के मालिक हैं। आप लोगों को बता दें, ऐसे में सवाल आजकल उठाए ये भी जाते हैं कि आने वाले समय में मलाइका अरोड़ा के इन सब संपत्ति का आखिर मालिक कौन होगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, मलाइका अरोड़ा जो कि अरबाज खान की पत्नी थी, ये आप लोग भी जानते हैं, लेकिन उनका तलाक हो चुका है। और तलाक होने के बावजूद भी मलाइका ने अरबाज से मोटा पैसा भी लिया था। लेकिन आप लोगों को बता दें, मलाइका अरोड़ा के एक बेटा भी है जिसका नाम अरहान खान है और उनकी मदर और सिस्टर भी हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि चूँकि मलाइका अरोड़ा जो कि अपनी संपत्ति जो कि तीन भागों में करेंगी, जहाँ पर वो अपने बेटे के नाम भी करेंगी और सिस्टर के नाम और कुछ अपने वो मदर के नाम भी करेंगी, ऐसी चर्चा आजकल बॉलीवुड के गलियारों में चल रही है। वैसे मलाइका अरोड़ा जो कि अपने इन तीनों लोगों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। आप लोगों को बता दें, ज़्यादातर वो अपने माँ और सिस्टर और बेटे से लगाव रखती हैं। तो आप लोगों को बता दें, फिलहाल इसकी चर्चा आजकल बॉलीवुड के गलियारों में खूब गर्म है। लेकिन जो कि अपने ही ये तीन लोगों के नाम पर जो कि यानी तीन हिस्सों में जो कि मलाइका अरोड़ा अपनी संपत्ति करेंगी।